दिल्ली में एक दुर्घटना हुई कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भर गया। तीन जो एस्पिरेंट थे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कोचिंग के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। कोचिंग के संचालक ने क्या अपराध किया था? अब यही क्वेश्चन आपके आ जाए तब आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? प्रस्तुत समस्या में दिए हुए तथ्यों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, गिवन प्रॉब्लम, वहां से शुरू करो। अभी तो आपने आईपीसी पूरी कर ली, तो आपने क्यों सोचना पड़ रहा है? आज मैं दो तीन समस्याओं को दूंगा, उन समस्याओं को आपको आना चाहिए कि क्या उत्तर लिखेंगे। अभी भी मेरे को कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेजते रहते हैं। एक स्टूडेंट ने और भेजा है क्वेश्चन, तो उसका उत्तर आपको आना चाहिए। सेक्शन ना भी आए तो आप तो लिखो ना, हुआ क्या है। वैसे तो आइडिया आ रहा होगा, पहले तो फॉर्मेट ही लिखो ना। ये 304 है, ये है? अरे 304A है ये, इसमें भी लाएगा तो 304 में कैसे आया? वो पिछा पुल सर जैसे बेसमेंट में पानी भरने की मैं तो बोल रहा नहीं, 304 में कैसे आएगा? पानी भरने का सर उनको पता होगा नहीं कि पानी भर सकता है फिर भी उसको पानी रोकने के लिए उन्होंने जैसे अपना ये बेसमेंट है तो ऊंचा कर रखा है पहले से पर ये नीचा रहेगा तो इसमें भी भरेगा देखो, तो एक चीज है, आपने लिखा और उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा? तो फिर पुलिस जनरल मिस फॉर्चून है, तो फिर पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया उनको? मतलब लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी अरेस्ट किया पुलिस, सिर्फ इसलिए थोड़ी अरेस्ट करेगी दिखाने के लिए। जब ऐसी प्रॉब्लम्स का, हाँ मले बताओ। सर मैं आंसर आपने लिखा है आंसर? सर हाँ बताओ, क्या लिखा है? सर एज पर गिवन फैक्ट्स डेथ इज कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटी एंड कीपिंग द इंस्टीट्यूट ओपन एट टाइम्स व्हिच वुड इनवाइट हार्म सो देयर क्लियर नेग्लिजेंस इन ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटी व्हिच कॉज्ड डेथ एंड हेंस चार्ज अंडर 304A IPC इज एस्टैब्लिश्ड ठीक है, ठीक है। कुछ ऐड कर सकते हैं सर इसमें कुछ हाँ अभी डिस्कस करते, ठीक ओके है। सर और किसी ने लिखा है क्या? मतलब ऑनलाइन वालों में किसी ने लिखा हो जो कोई बात करना चाहता हो? भाविक आता नहीं है क्लास में, वैसे ही 304 में जैसे तूने लिखा, काय का अपराध है 304 में, तो सेक्शन में गलत लिखा ना मैंने, सही किया ना उसको? देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ऐसी समस्याएं ही उठा उठा के रख देते हैं, तो आपको आना चाहिए कि क्या अपराध हुआ, क्या है। जो भी कोई पब्लिक एक्ट कर रहा है उसको दो चीजों से विज्ञ होना चाहिए कि क्या संभावना हो सकती है, उसमें था क्या कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा रखा था। इलेक्ट्रॉनिक गेट पानी भरने से क्या हुआ कि वो चलना बंद हो गया, तो वो खुला नहीं। जो छात्र अंदर रह गए थे वो गेट खुला ही नहीं अंदर से, और खुला नहीं तो वो अंदर पानी में डूब गए और मर गए। क्या है इसमें? देखो पहली बात तो हर अपराध के संबंध में इस तरह के जो अपराध होते हैं, ज्ञान या नॉलेज,
और उस नॉलेज में, नॉलेज का मतलब क्या है, संभावना, कि क्या संभावना थी कि ये हो सकता है। जैसे अभी मैंडेटरी कर दिया, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, जैसे इसमें लाइट जलती रहती है ना हर समय, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, इस पूरी बिल्डिंग में लगा हुआ है, नीचे बेसमेंट से लेकर ऊपर तक लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखा गया कि इसके दो गेट होने चाहिए, तो बिल्डिंग में दो गेट हैं, इधर से कोई असुविधा हो जाए तो इधर से जा सकते हैं, इधर से हो जाए तो उधर से जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है नॉलेज। तो जो भी, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट चलाए, चाहे कोई फैक्ट्री चलाए, चाहे कुछ हो, तो दुर्घटना होने की संभावना की नॉलेज, दुर्घटना होने की संभावना की नॉलेज। तो यदि संभावना की नॉलेज है तो उसका कार्य ड्यू केयर और अटेंशन का नहीं है, काय का नहीं है, ड्यू केयर और अटेंशन का। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, अमेरिकन कंपनी थी, तो ड्यू केयर और अटेंशन का न होने का दोषी सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को भी माना, उनको सजा 304A में ही दी, उनको भी सजा 304A में ही दी। तो कोचिंग हो या फैक्ट्री हो या दुकान हो या कोई अन्य कार्य हो जहां पब्लिक का आना जाना है, तो उसे प्रत्येक मालिक को विचार करना चाहिए कि बुरी से बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है। जैसे सामान्य तौर पर आग एक बुरी परिस्थिति है, क्योंकि सारे सिस्टम आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चल रहे हैं और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना स्वाभाविक है, कहीं पर भी हो सकती है। दूसरा, जैसे उस बेसमेंट में पानी भरा गया होगा, स्टूडेंट वहां बैठे होंगे, तो पानी ऐसे तो नहीं आया होगा कि एकदम बेसमेंट में से ही फूट पड़ा होगा, बारिश हो रही होगी, थोड़ा बहुत कहीं सीम आई होगी, हल्का फुल्का पानी आ रहा होगा, कुछ तो हुआ होगा, एक झटके में नहीं हो सकता वो। उस समय उनका जो संस्थान है, उनके संबंध में उनके कैमरे और ये सब चीजें का क्या हो रहा है, उस समय उसे हटा सकते थे। कोई भी दुर्घटना एक्सीडेंट को छोड़कर, एक्सीडेंट क्या, जैसे भूकंप हो, अभी बहुत तेज भूकंप आ जाए, बिल्डिंग पूरी हिल जाए, हम और आप भी यहां से नहीं जा पाएंगे। ये एक्सीडेंट जैसे रोड पर चल रहा है, वो पल भर का क्षण होता है, खत्म, वहां संभावना नहीं होती। लेकिन आग है, आग में भी ये संभावना रहती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं उड़ा, एक झटके में सारे में आग नहीं पकड़ सकते, या दो दरवाजे हैं तो उनकी संभावना रहेगी कि वो बच सके। अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया, अब बात आती है कि आपने इसे लिखना कैसे है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये तो समझ में आ जाता है कि इस धारा में अपराध बनेगा, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लिखा कैसे जाए। अब देखो 304A खोलो, 304A खोलो, 304A में जब भी आप लिखो ना, तो लिखोगे कैसे, ये लाइन तो सारी हर के उपरोक्त प्रस्तुत समस्या में यहां से ही शुरू करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर। या इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे, फैक्ट्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम अबव, ये यहां से लिख के फिर लिखना है। तो तथ्य क्या है, सबसे पहले तो तथ्य को लिखो कि दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु हो गई, यही तथ्य दिया है, इतना ही तथ्य है बस। और ये दूसरी बात आ गई, जिसके संबंध में प्रश्न यह है कि, अब प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कोचिंग के संचालक ने क्या अपराध किया है।
तब आपको ये लिखना है कि कोचिंग के संचालक को अपने कार्य के संबंध में सम्यक सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए थी। क्या थी? सम्यक सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब प्रश्न आता है कि उसने क्या बरती नहीं। बेसमेंट में पुस्तकालय संचालन से पूर्व उसे दुर्घटनाओं की जानकारी रही हो, दुर्घटनाओं की होने की संभावनाओं की जानकारी रही होगी, जैसे अग्नि, जैसे पानी भरना, क्योंकि तल से नीचे है पानी भरना। ऐसे ही एक दुर्घटना हुई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि एक वो था यहाँ पर होटल, होटल में कार्यक्रम हो रहा था और होटल के कार्यक्रम में जो फॉल सीलिंग थी ना वो गिर गई थी। उसमें मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन किसी कई लोग घायल हुए थे बुरी तरह, तो फॉल सीलिंग सारी गिर गई थी। तो जो फॉल सीलिंग, जितनी भी फॉल सीलिंग होती हैं वो पतली पतली पत्तियों पर लटकी हुई होती है, जिप्सम लटका होता है, वो देखने में छत नीचे से अच्छी लगती है इसलिए लगाते हैं लोग, ये भी लगी हुई है। तो वो बहुत पुराना पुराना मटेरियल था, इसकी एक उम्र तो है ही सही, जो भी चीज़ बनाते हैं उसकी एक उम्र तय हो जाती है कि ये करीब करीब इतने समय में समाप्त हो जाएगी, इतने समय में इन पत्तियों में जंग लग जाएगी। सामान्य तौर पर आदमी ये सोचता ही नहीं कि भाई इसकी आयु खत्म हो गई है तो इसको चेंज कराना चाहिए, तो भी वो भी लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसकी नेग्लिजेंस है, तो उसमें भी यही धारा लगी। ठीक है ना? तो फिर बताना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अंतर्गत, अब 304A में क्या शब्द प्रयोग किया है? 304A में शब्दों का उपयोग क्या किया है? अब ये लाइनें उतारनी है आपको। धारा 304 के अंतर्गत उपेक्षापूर्ण कार्य, कैसा कार्य? उपेक्षापूर्ण कार्य, नेग्लिजेंट एक्ट। अब देखना यह है कि इसमें नेग्लिजेंट एक्ट हुआ क्या? भाई पानी है, बारिश है, तो पानी के संबंध में नेग्लिजेंट एक्ट हुआ था क्या? पानी आने की संभावना या ये इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाना, ये सब चीजें, क्या ये सब चीजों की सावधानी बरती गई या नहीं? तो प्राइमा फेसी तो जब पानी भरा तो नहीं बरती गई, क्योंकि किसी भी बेसमेंट में पानी बनने की संभावना और अग्नि लगने की संभावना, ये दो प्राथमिक संभावनाएं हैं, तो इनका भी जिक्र उसमें करना होगा। अतः उपेक्षापूर्ण कार्य एवं अपराध के प्रति जानकारी होने की संभावना संचालक की थी, अतः संचालक को धारा 304A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, वो दंडित होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई नाला ही फूट के एक झटके में आ गया हो, तो उसमें तो निकलने की कोई संभावना ही नहीं हो। मान लो पास में होकर नाला जा रहा था, प्रेशर में वो नाला उस रूप में नहीं, उस नाले का तो पानी नहीं आ सकता। हाँ वो देखा है मैंने, रहा हूँ वहाँ, वो तो दूर है, बिल्कुल पीछे ही नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसी ने भेजा मुझे सुबह। क्वेश्चन ये है, एक वयस्क पुरुष एवं कॉलेज छात्र अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की बी को जानता है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, किंतु उसकी वास्तविक आयु ए को ज्ञात नहीं है। एक दिन उसे वो मिलती है उससे शहर में और उसके आसपास सैर करने के लिए, उसे टैक्सी में ले जाने के लिए कहती है। अंततः वह रेलगाड़ी से कलकत्ता जाते हैं। ए ने कौन सा अपराध किया है? यदि कोई किया हो, लड़की है 16 साल से कम उम्र की है। अब बात ये आती है कि उसकी उम्र लड़की की 16 साल से कम है या ज़्यादा है,
ये प्रारंभिक स्तर पर अपराधी को नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अब वो 16 साल की है, 16 साल की लड़की अपने कहने पर, 16 साल से कम या 16 साल तक की लड़की के संबंध में स्पष्ट लॉ है कि उसकी कंसेंट मायने नहीं रखती है, या उसके द्वारा ये कहना कि मेरे को वहां घुमा के लाओ, ये कहना भी मायने नहीं रखता। उसके द्वारा कहा भी गया है तो भी ये मायने नहीं रखता है। तो ये कौन सा अपराध है? हाँ, किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप, खुद की मर्जी से ही गई है वो। देखो, एक चीज, एक शब्द इसमें केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक लड़की उसके साथ चली जाती है, वो ले नहीं जाता, वो चल जिद करती है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, और वो ले जाता है और बाजार घूमकर वापस आ जाते हैं और फिर वो उसके घर आ जाती है, तो उसने क्या अपराध किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपराध नहीं माना। ये केस है जो मैंने दे रखा है नोट्स में, दो शब्द प्रयोग किए हैं, ले जाना, ले जाना, टेक सबे, और एंटाइस, प्रलोभित करना। तो क्या उसे प्रलोभित किया गया, क्या उसे ले जाया गया? प्रलोभित करना, ले जाना, ये जरूरी है, दो शब्द प्रयोग किया है वो ले जाने से है, या तो वो लेके नहीं जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट, इसमें कहां तक पहुंच गए थे। इस तरह आप लोगों को ये कुछ लाभ मिलेगा क्या, जैसे मैं अभी करा रहा हूं, तो तुम्हें कितना लाभ मिल पाएगा? जैसे मैंने अभी आपको एविडेंस एक्ट के संबंध में कराया, सेक्शन कहां तक करा दिया था, 15, 16 एडमिशन कराना है। देखो, एडमिशन के संबंध में मैं बता देता हूँ, एडमिशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक तो अब देखो, जैसे आया शॉर्ट नोट ऑन एडमिशन, तब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सबसे पहले एडमिशन की डेफिनेशन, कि एडमिशन या स्वीकृति वे कथन है जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के संबंध में, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स के संबंध में एक अनुमान इंगित करते हैं। क्या करते हैं? अनुमान की तरफ इशारा करते हैं, कि एक इन्फ्लुएंस बताते हैं कि ये संभावना है। और वो धारा 18, 1920 वाले व्यक्तियों ने किए गए हों और उन्हीं परिस्थितियों में किए गए, तो ये तो आपने बता दिया। अब 18 में, 19 में और 20 में क्या है? तो तीनों को एक एक लाइन में बता देते हो। 18 में क्या है, 18 में क्या है? अब ये देख देख के क्यों बोलना पड़ रहा है? कार्रवाई के पक्षकार या उनके एजेंट्स, कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ताओं द्वारा किए हुए कथन, कार्रवाई के पक्षकार, मतलब ये कार्रवाई के पक्षकार का मतलब क्या है? कि मान लो किसी एग्रीमेंट में कोई दो पार्टी हैं या उनके कोई एजेंट हैं, एजेंट के माध्यम से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो कार्रवाई के पक्षकार कहलाएंगे। कोई एग्रीमेंट किया गया है, उनके द्वारा विवादक संबंधों, विवादक तथ्यों के संबंध में या सुसंगत तथ्यों के संबंध में ऐसे कथन किए गए हैं जो एक अनुमान की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है ना? जैसे एक एजेंट है, एक कॉलेज का एडमिशन है मान लो,
बड़े कॉलेज का एडमिशन है जिसमें 10 लाख की फीस होती है, एजेंट 7.5 लाख रुपए लिख देता है। तो एजेंट का मतलब क्या है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट का, कि वो अपने प्रिंसिपल का एक प्रतिनिधि है, यह माना जाएगा मानो उसी ने ये किया है, तो उसे 7.5 लाख रुपए ही फीस देनी पड़ेगी। 2.5 लाख रुपए के लिए कॉलेज डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि उसने इस बात का एडमिशन किया है। हाँ, लेकिन ये सब बातें क्या हैं, अनुमान हैं। क्या हैं, जैसे एक सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन विबंध अधिरोपित करता है, एस्टपल अधिरोपित करता है, कंक्लूसिव नहीं है। कह दिया हो भाई 7.5 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो तुम्हें अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे और इतने पैसे आपको कैश दे दो, 2.5 लाख रुपये कैश दे दो, ये भी हो सकता है। तो अभिकर्ता खुद करे या उसका कोई प्रिंसिपल करे, मालिक करे, एक ही बात है। फिर ऐसे ही सेक्शन 19 है, 19 में क्या क्या दे रखा है, कार्रवाई कार्रवाई के पक्षकारों के प्रति सकती है 19 में। प्रतिनिधि बात द्वारा और ऐसा वो हमारे में प्रतिनिधि बात द्वारा और ऐसा सारे ही आएंगे ना, प्रतिनिधि हैं, वो एजेंट भी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है, कार्रवाई के पक्षकार, प्रतिनिधि, ये सब आएगा। तो इतना ही लिखना पड़ेगा, प्रतिनिधि वो कॉमा कॉमा करके लिख दो उसको, सारा थोड़ी लिख सकते हो। 19 में क्या है पता नहीं, द्वारा देखो स्थिति, उन व्यक्तियों की स्थिति जिनकी पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जा सकती है। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है ना कि एक आदमी को नियोजित किया गया कि तुम रेंट वसूलना, और वो कहता है जी रेंट आ ही नहीं रहा था इनके ऊपर, जबकि जो किराएदार था वो कहता है हाँ जी रेंट मांगते हैं। रेंट ये मांगते हैं, ध्यान है ये इलस्ट्रेशन, तो वो है। और तीसरी स्थिति है इसमें रेफरी, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति को बता दो कि जैसे ये कहेंगे, तो यदि रेफरी ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे मेरे द्वारा, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे एक्स कहेगा वैसे मान लेंगे, तो एक्स ने कहा, जैसे मान लो एक गाड़ी खरीद रहा है एक आदमी, तो उससे पूछा कि कितने रुपए में बेचोगे आप अपनी गाड़ी को, बोले यार ऐसा है कि आप मिलने वाले हो, एक काम करो जो मिस्त्री है ना, जो मिस्त्री कह देगा उतने में दे देंगे। कह दी उसने, मिस्त्री के पास पहुंचे, मिस्त्री ने कहा चलो 1 लाख रुपए में दे दो, 1 लाख तक ले लेना है। तो 1 लाख मतलब उसने अपने स्टेटमेंट को करने का अधिकार उसको रेफरी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये माना जाएगा मानो उसी ने एडमिशन किया है। समझ में आ गया? क्या अपनी ही एडमिशन को अपने पक्ष में उपयोग में लाया जा सकता है? कौन से सेक्शन में? 21 में है। जैसे मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है
लेकिन वो कब लिख रखा है? इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने लिख रखा है। यार देखो लिख रहा है डायरी में 50,000 रुपये लिए आपने कि नहीं, मैंने 5,000 लिए। यार मेरी डायरी में लिखा हुआ, बोलो डायरी तो आपकी है, तो मेरी ही डायरी मेरे पक्ष में एविडेंस दे सकती है। लेकिन वो कब? इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा हुआ हो, सामान्य तौर पर, ऐसा नहीं एक स्पेशल एंट्री लिखी हुई हो तो नहीं। इसमें एक रजिस्ट्रेशन दे रखा है ना, एक आदमी पानी का जहाज लेके जाता है, टकरा जाता है और वो टूट जाता है, तो यदि वो डूब जाता, मर्मिल असमर्थ हाजिरी की स्थिति में होता, तब हम उसकी लॉग बुक का ही उपयोग करते। अब वो चूंकि मरा नहीं है तो भी, तो ऐसा 21 में, 22 इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 24 से 30 इम्पोर्टेंट है मेन एग्जाम के लिए। और एडमिशन की तो डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। सिर्फ ये है कि 24 से पहले 17, 18, 19, 20, 21 इनमें चल रहा था एडमिशन शब्द का प्रयोग, 24 में आते ही कन्फेशन शब्द का उपयोग हो गया। तो ये वाली भी एडमिशन है, लेकिन ये इस तरह का एडमिशन है जो अपराध के किए जाने को स्वीकार करता है, तो एडमिशन ही, लेकिन एडमिशन का ऐसा स्वरूप है जिसमें अपराध का किया जाना प्लस हो गया है। नहीं इसको ऐसे बोलो, विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों के संबंध में ऐसी स्वीकृति जो अपराध के किए जाने को, अपराध के किए जाने के लिए की जाती है, उसे संस्वीकृति कहते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही से तो बात जुड़ गई है, अपराध का किया जाना, भाई एडमिशन प्लस अपराध का किया जाना, इतना ही तो डेफिनेशन में ऐड हो गया है। अब 24 में है कि यदि यदि तीन चीजों से कोई इंड्यूस करे, कोई प्रॉमिस करे, कोई थ्रेटनिंग करे और कोई टॉर्चर करे, चार चीज हो गई, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, तो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन या इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से किसी भी प्रकार का कन्फेशन प्रभावित है, तो सेक्शन 24 कहता है कि ये विसंगत होती है। विसंगत का मतलब ये हो गया इरेलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इरेलेवेंट का मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, इरेलेवेंट हो गया। इसका जस्ट अपोजिट सेक्शन 28 है, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस का प्रभाव समाप्त हो जाए तो ये सुसंगत हो जाएगी, है ना। फिर बात आती है कि 25 की है? देखो 25 को और 27 को भी साथ साथ पढ़ना चाहिए कि पुलिस को की गई संस्वीकृति साक्ष्य में विसंगत है, लेकिन
पुलिस को किए गए कथन की सूचना के आधार पर कोई रिकवरी हुई है तो वह स्वीकृति संस्वीकृति सुसंगत हो जाएगी। 25 और 27, 27 में यदि रिकवर हो गया तो सुसंगत हो गई है। ऐसे ही 26 है कि मजिस्ट्रेट उपस्थित है, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कोई कन्फेशन किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट है वहां और पुलिस वालों से किया जा रहा है, तो ये कन्फेशन विसंगत नहीं होता, ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे पुलिस, देखो दो बातें, एक तो मजिस्ट्रेट से कन्फेशन कर रहे हो, 26 में मजिस्ट्रेट से कन्फेशन नहीं कर रहे, कर तो पुलिस वालों से ही रहे हो, लेकिन मजिस्ट्रेट उपस्थित है, मजिस्ट्रेट देख रहा है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, बताओ भाई क्या हुआ था, मजिस्ट्रेट देख रहा है, मजिस्ट्रेट ये देख रहा है कि किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं कर रहा। मजिस्ट्रेट से कन्फेशन करने का तरीका तो सेक्शन 164 में दे रखा है कि जब भी मजिस्ट्रेट से कन्फेशन करोगे तो मजिस्ट्रेट तो उसे कहेगा कि तुम कन्फेशन मत करो, तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, यदि कन्फेशन करोगे तो ये आपके विरुद्ध साक्ष्य में एविडेंस के तौर पर आएगा। जबकि 26 में मजिस्ट्रेट से कन्फेशन नहीं हो रहा है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट ये देख रहा है किसी भी प्रकार का कोई टॉर्चर या उस पर कोई दबाव या और कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा। तो 26 समझ में आया, 27 में रिकवरी होगी, 28 में उसका प्रभाव, सेक्शन 24 का प्रभाव, 29 में जो कन्फेशन है वो इस तरह का है कि कन्फेशन धोखे से लिया गया है, उन्हें नहीं पता, तो उस समय लिया गया जब वो सच बोल रहे हैं, भय ना तो किसी प्रकार का उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है ना कोई और किया जा रहा है, सिर्फ क्या है उन्हें पता नहीं। जब वो कन्फेशन कर रहे हैं, जब कन्फेशन करते वक्त उन्हें जब पता नहीं है तो वो सही कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कन्फेशन के संबंध में, एक लड़का अपने घर वालों को चिट्ठी लिखता है कि इस बार मेरे को बचा लो, आगे से ये अपराध नहीं करूंगा, ये अपराध तो मैंने ही किया था, लिख दिया। अब वो चिट्ठी पिता को मिलने से पहले ही जेल से लिख रहा है तो सिपाही जेलर को लाके देता है कि पोस्ट करने के लिए कहा है, वहीं जेलर के पास पीपी बैठा है, उन्हें कहा दिखाना क्या लिखा है इसने, देखता है तो वो कन्फेशन है, सेक्शन 29 के अंतर्गत। ऐसे ही कन्फेशन में पुलिस वाले उसको पकड़ कर लाते हैं अपराधी को और हवालात में बिठा देते हैं, लेकिन वहाँ टेप रिकॉर्ड लगा हुआ है और उसकी उन दोनों अपराधियों की आवाज, अपराध किया जाना स्वीकार करते हुए है वहां पर। अब मान लो इसमें ये कन्फेशन आ सकता है क्या, जैसे लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं तो क्या करती है पुलिस, उनकी मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देते हैं, मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देते हैं और रिश्वत की बात हो रही होती है उसमें। जब रिश्वत की बात हो रही होती है तो यदि वॉइस सैंपल प्रॉपर है, उसमें फेरफार नहीं किया गया है, तो क्या ये रिश्वत वाले लोग आ सकते हैं इसमें?
रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, आप देखते नहीं हो क्या, जब वो ट्रैप करने जाते हैं तो उनके पास ऐसे माइक लगा रहता है अंदर और वो बात कर रहे होते हैं। तो रिश्वत लेने वाला तो नॉर्मल बात कर रहा है, उसे थोड़ी पता है कि ये ट्रैपिंग चल रही है। अब वो फंस जाता है उसमें। तो ये क्या है, सेक्शन 29 के अंतर्गत पुलिस को किया हुआ कन्फेशन है। पुलिस को किया हुआ ये कन्फेशन इनवैलिड नहीं है। तो ये जो बॉयज सैंपल वहां आता है तो उसको इसी रूप में फिर सेक्शन 30 में है। सेक्शन 30 में तो क्या है कि एक आदमी कन्फेशन तो करता है पर वो कन्फेशन का रूप अलग है। वो कहता है कि देखो जी मैंने, और दो कन्फेशन है उसमें, एक मेरे बारे में स्वयं के बारे में मैंने अपराध किया, एक दूसरा कन्फेशन और है कि मैंने मेरे साथ इसने भी किया। तो दूसरे के संबंध में जो बात है वो कन्फेशन तो नहीं है लेकिन वो इस बात की ओर इशारा है कि इसने मेरे साथ अपराध किया। तो मेरे साथ अपराध किया तो उसके संबंध में सेक्शन 30 की कन्फेशन के संबंध में जो कन्फेशन उसने अपने पक्ष में की उसकी कोई समस्या नहीं है, जैसे दूसरे के पक्ष में की उसके लिए कह दिया कि न्यायालय से विचार में ले सकेगा। तो कोर्ट में कंसीडर जरूरी नहीं है, कोर्ट कंसीडर करेगा। और फिर सेक्शन 31 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था उसमें कह दिया कि ये विबंध कारित कर सकते हैं, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। यहां तक का समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या, एक तो शॉर्ट नोट आया और क्या है, हाँ साइलेंट में समटाइम्स अमाउंट टू एडमिशन, चुप रहना स्वीकृति हो सकता है। जैसे किसी संबंध में पूछा गया एडमिशन होगा कन्फेशन नहीं होगा। हाँ किसी संबंध में पूछा गया, जैसे कहा कि 50,000 रुपये आपने मेरे से लिए थे और दूसरा आदमी उसका खंडन नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि शायद आपने लिए थे, क्योंकि तत्काल खंडन करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब सेक्शन 32, 33 है। 32 में क्या दे रखा है कि जो 32 में क्या क्या क्वेश्चन आए, हाँ इसमें और बताओ। शब्द गलत देखा हुआ, रेसिडी काटा थोड़ी गलत लिखा हुआ है। कुछ भी लिख देते हैं, रेजुडी केटा तो शब्द ही गलत हो गया वहां लाना, ये तो आ भी गया है ना, तो बनाने वाला क्वेश्चन के मतलब नहीं समझ सका। रेस जुडिकेटा केवल तब होता है जब कोई सिविल प्रोसीडिंग हुई हो और उसमें एडजुडिकेशन हो गया हो। एडजुडिकेशन कहाँ हो गया, वहां पर मे एस्टॉप ही आएगा। गलत है, क्या है, हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ
एडमिशन। तो पहली बात तो ये फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स के संबंध में एक अनुमान, सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस, अनुमान की ओर इशारा करती है। दूसरी बात, एडमिशन भी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, एक अनुमानित बात कह रहा है कि संभावना है, संभावना है कि सही हो। दूसरी, ये एक अलग बात है जिससे पहले ये भी देना चाहिए था कि नीड नॉट टू प्रूव एडमिटेड फैक्ट, 57 को भी देना चाहिए, 57 या 58, 57 नहीं है, 57 में क्या है? हाँ, 57 में भी तो कुछ होगा। अवेक्षणीय तथ्य कौन से में है? नोटिसेबल फैक्ट्स, अट्ठावन में नहीं, 58 में तो यही है जो मैंने बोला, नीड नॉट टू प्रूव एडमिटेड फैक्ट्स, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या दे, जैसे एडमिशन वैल्यू लिखनी है ना, तो आपको ये लिखना चाहिए एडमिशन या विवादित तथ्य सुसंगत तथ्यों के संबंध में अनुमान को इंगित करने वाले तथ्य, अच्छे साक्ष्य हैं लेकिन यह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, विबंध स्थापित करते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, विबंध स्थापित करते हैं, परंतु यदि सत्य है तो इनको साबित करने की जरूरत नहीं होती है, अतः इनकी एविडेंस वैल्यू, साक्षिक मूल्य यदि साक्षिक मूल्य इस प्रकार बढ़ जाता है, यदि वो है स्वीकृत तथ्यों तो उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, इनका खंडन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? खंडन किया जा सकता है, रिवटेबल है ये, यह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो एक तरह से क्या कह सकते हो, खंडन किए जाने योग्य वाला साक्ष्य है। और क्या पूछा है इसमें, तो हो गए ना पूरे क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, कन्फेशन बताओ, कन्फेशन बताओ क्या कहा है? देखो कन्फेशन को सारा ही स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए? दरअसल ये कंसेप्ट आया था पलविंदर कौर के मामले में। तो पलविंदर कौर के मामले में जब ये कंसेप्ट आया था तो उनमें दो बात कही थी कि कन्फेशन के दो हिस्से होते हैं, कल्पेटरी और नॉन कल्पेटरी। एक दोष दोषी सिद्ध करने वाला और एक दोष मुक्त करने वाला। तो यदि कोई कन्फेशन की गई है तो यदि आप कल्पेटरी को स्वीकार करते हो तो नॉन कल्पेटरी को भी स्वीकार कर दो। जैसे
पलविंदर कौर कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड की हत्या नहीं करी है, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट थे। जब उन्होंने अस्थमा के पेशेंट थे तथा फोटोग्राफी के शौकीन थे, तो जैसे ही दवा मांगी तो मैंने वहीं रखी हुई दवा सिल्वर ब्रोमाइड दे दी, जो उन्होंने पी ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने डेड बॉडी को अपने मित्र के साथ कुएं में डाल दी। तो यहां पे एक हिस्सा कल्पेटरी है, एक नॉन कल्पेटरी हिस्सा है। नॉन कल्पेटरी हिस्सा ये है कि मैंने मृत्यु नहीं की, जो कुछ भी हुआ वो दुर्घटना और दुर्भाग्य से हुआ। क्या हुआ? दुर्घटना और दुर्भाग्य से हुआ। दूसरी बात कहती है कि मैंने बॉडी को उठाकर कुएं में डाल दिया। तो या तो दोषी सिद्ध करने वाले हिस्से को और दोष मुक्त करने वाले दोनों हिस्सों को स्वीकार किया जाए। एक हिस्से को स्वीकार करेंगे, एक से आपने मान लिया कि मैं वहां डेड बॉडी को लेके गई, मैंने उसमें डाला, तो एक हिस्से को मान लिया। बाद में एक बढ़िया केस आया, पटना उच्च न्यायालय ने तय किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि कोर्ट में सेपरेट कल्पेटरी कन्फेशन पार्ट और नॉन कल्पेटरी, तो जो लिया है कोर्ट ने उसके आधार पर कन्फेशन कर सकती है। कल्पेटरी पार्ट को लेकर नॉन कल्पेटरी पार्ट को अलग अलग कर सकती है। ये केस था निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आज की तारीख में यही कंसेप्ट है कि कल्पेटरी नॉन कल्पेटरी अलग अलग सेपरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट समझ ही नहीं था सर। ये एक अक्यूज होता है और वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को बोलता है कि मैंने जिसको मारा था उसकी इयरिंग को एक पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दिया है, तो पुलिस को और पंचों को वहां लेके जाता है, वहां वो चीजें मिलती है। तो ये जो एक ही जो स्टेटमेंट दी गई आगे को, ये एविडेंस उसके खिलाफ यूज होगा कि नहीं होगा? हाँ, जो पुलिस को किया वो उसने वहां जाके बरामद कर दिया। ये पटना वो जो बिहार वाला एक केस है ना, एक आदमी हत्या करता है और वो कहता है मैंने उन सोबरा को और इन सबको मार दिया है, कुल्हाड़ी वहां छिपी हुई है, थाने में जाके कहता है, तो फिर कुल्हाड़ी भी बरामद करा लेता है। तो ये माना गया कि ये उसने अपराध किया। नेक्स्ट। मुकरी हुई संस्वीकृति। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन, अब ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है सारा। देखो, दो तरह से कन्फेशन हो सकती है। यदि कोई कन्फेशन करने वाला आदमी बाद में ये कहे, पहले उसने कोई सा कन्फेशन कर लिया, चाहे वो पुलिस से कर लिया, क्या पुलिस को किया हुआ सारे कन्फेशन बेकार हैं? पुलिस को सारे कन्फेशन किए हुए बेकार हैं क्या? 27 वाला भी सही है, 26 वाला भी सही है। लेकिन वो बाद में मुकर जाता है, उसका क्या होगा?
तो जितना हिस्सा वो मुकर गया है ना, उसके दो हिस्से हो सकते हैं कि बाद में वो कहता है नहीं जी, मैंने जो कन्फेशन किया था वो गलत है। जैसे मैं स्टेट के सामने चला गया, कन्फेशन कर लिया सारी बात, बाद में कोर्ट में कहता कि नहीं वो तो मैंने दबाव में किया, भय में किया, तो उसका परीक्षण होगा। वो कहता है कि मैंने जो किया वो दबाव में किया था, तो दबाव था या नहीं। दूसरा, उसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जो उसके कन्फेशन में फंसाने वाला हो, और एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जो उसको बचाने वाला हो। तो कोर्ट को यह अधिकार है कि उन हिस्सों को अलग अलग कर ले, वो चाहे तो इसको ले ले, वो चाहे तो इसको ले ले। नेक्स्ट नेक्स्ट काय पे है? यही आते हैं क्वेश्चन पूछे बार 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 बार, जो नोट्स में लिख रहा है ना इसके संबंध में। तो एविडेंस के तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नहीं यदि आप उसमें से जो राजस्त्री के नोट्स है ना वो बहुत अच्छे और बहुत कॉम्पैक्ट लिखे हुए हैं। नोट्स तो सारे अच्छे हैं, पर उसमें क्या है कि मेंस में दोनों आते हैं, सिविल में भी आएगा और क्रिमिनल में भी आएगा एविडेंस। तो जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हीं नोट्स को पढ़ सकते हो उसमें जो नोट्स हैं। हाँ, उसमें से थोड़ा सा केस लॉज को छोड़ सकते हो, केस लॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। केस लॉ के संबंध में स्टूडेंट सोचता है क्या केस लॉ के बिना अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। केस लॉ जहाँ रिक्वायर्ड है, कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता है, वहाँ तो बताओ। जैसे निशिकांत झा, पाकला नारायण स्वामी के सिद्धांत को उलट दिया निशिकांत झा ने, सॉरी उसके पलविंदर कौर के, पलविंदर कौर के सिद्धांत को उलट दिया। अरे वो तो 32 का है, दो पाकला नारायण स्वामी तो 32 का है। इसमें तो आपको निशिकांत झा और पलविंदर कौर को ध्यान रखना, तो आज की स्थिति निशिकांत झा की है, पलविंदर कौर की नहीं है। मतलब इनकल्पेटरी कल्पेटरी दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ये बात निशिकांत झा ने कही है। पलविंदर कौर कह रहा था इनकल्पेटरी कल्पेटरी दोनों साथ साथ लेने हैं, इतना अंतर है बस। डिक्लेरेशन पे तो देख लो आप, इसमें सारे के सारे रिपीटेशन होगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, उन्हें सॉल्व करते चलते हैं। पहले ये माना गया था कि डिक्लेरेशन एक वीक, एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, क्योंकि वो एक हेयर से एविडेंस है, एक व्यक्ति की सुनी सुनाई बात है, उससे क्रॉस करने का मौका नहीं मिला, मतलब उसके कथनों का परीक्षण नहीं हुआ, इसलिए इसे कमजोर प्रकृति का साक्ष्य माना जाता था। लेकिन मैंने एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डायन डिक्लेरेशन कमजोर प्रकृति का साक्ष्य नहीं है। मैंने लिखा है ये मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य मूल्य है। दूसरी, कमजोर क्यों माना जाता है? एफिडेविट पे नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, हियर से एविडेंस है, भाई कमजोर क्यों माना जा रहा है नैन डिक्लेरेशन को? ये लिखा है इन्होंने खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मृत्युकालिक कथन एक दुर्बल साक्ष्य है, इसका महत्व तो अन्य साक्ष्यों की भांति है। और दूसरी, कमजोर तभी भी नहीं रहा क्योंकि
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सागर यादव, यहां पर केस लो देने पड़ेंगे आपको। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सागर यादव में कहा कि बिना कॉरोबोरेशन के भी अकेले डैन डिक्लेरेशन के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है, तो कमजोर प्रकृति भी खत्म, यहां भी हो गई। नहीं, रिपीटेशन तो होगा ही, मृत्यु काले कथन पर क्या पूछेगा। इनमें आपको इसमें चार पांच केस आपको ध्यान रखने चाहिए। एक तो खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, जिसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। दूसरा केस इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सागर यादव है 1985 का, जिसमें कहा कि कॉरोबोरेशन जरूरी नहीं है। और तीसरा पापरंब का सेसम्मा आंध्र प्रदेश का केस है 2000 का, जिसमें कि यदि ऐसी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई आदमी डैन डिक्लेरेशन देने की स्थिति में है और फिर उससे डैन डिक्लेरेशन लिया गया है, तो उसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना है। मृत्युकाल कथन पे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे, अब देखो मृत्युकालिक कथन के संबंध में है क्या चीज, ये तो 32 का क्लॉज 1 है ना, उन परिस्थितियों के बारे में बताना जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। तो यहां पे मृत्युकालिक कथन मरणासन्न जो कह रहा ना, परिस्थितियों के बारे में बताना जिसमें मृत्यु हुई है, मरणासन्न स्थिति के समय लिए हुए स्टेटमेंट ही डैन डिक्लेरेशन नहीं है। वो स्टेटमेंट कई महीने पुराने हो सकते हैं तो भी डैन डिक्लेरेशन है, क्योंकि दे आर टेलिंग अबाउट द सिचुएशन इन विच हिज डेथ वॉज कॉज्ड। डैन डिक्लेरेशन के एक बार सारे क्वेश्चंस तो बोल दो, ब्रीफ में बोलता जाऊंगा इसमें क्या आएगा। बोलो, अब जैसे पूछा डैन डिक्लेरेशन की असेंशियल कंडीशन क्या है ना, क्या तत्व क्या है, तो पहली बात तो मरने वाले व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया हो कि वो कैसे घटित हुई। दूसरी बात, या उन परिस्थितियों के बारे में बताया हो जो जिसमें उसकी मृत्यु हुई। तीसरी बात, कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसे जो मर गया है, मिल नहीं रहा है, असमर्थ हो गया है, अब ये सबके लिए किया हुआ है, लेकिन इसमें ये है मृत्युकालिक कथन में भारतीय विधि के अनुसार उस व्यक्ति के लिए नहीं जो असमर्थ हो गया है, मिल नहीं रहा है, उसके लिए नहीं है। इसके लिए स्पष्ट कर दिया है ये केवल उसी व्यक्ति के लिए है 32 का क्लॉज 1 जो मर गया है, केवल उन्हीं के लिए है। बाकी तो शब्द क्या प्रयोग किए हुए, मर मिल असमर्थ हाजिरी, चार शब्द प्रयोग हुए हैं, मर गया है, मिल नहीं रहा है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, उसकी हाजिरी नहीं कराई जा सकती है। लेकिन 32(1) के संबंध में ये ध्यान रखना है केवल मर गया है। दूसरे कितने हो गए, चार। नेक्स्ट ये है कि मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन यदि मजिस्ट्रेट ने लिया है, मजिस्ट्रेट ने लिया है, तो
तो उसका साक्षी मूल्य और बढ़ जाता है। मजिस्ट्रेट ने लिया है और प्रश्न उत्तर के तौर पे लिया गया है तो साक्षी मूल्य में और वृद्धि हो जाएगी। ये तो असेंशियल कंडीशंस थी। और क्या अच्छा, ऐसा कोई इलस्ट्रेशन दो जो एडमिशेबल नहीं है, एविडेंस में एडमिशेबल नहीं है, जो मैथुकालिक कथन की कोटि में आता है, ये पूछा है। तो ये वाले वो है जो कभी कभी ऐसी स्थिति हो, जैसे एक आदमी मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया लेकिन वो वापस आ गया, क्योंकि फिर वो डायनिक्लेशन उस समय तक था वो, लेकिन चूंकि वो नहीं मरा, रिकवर कर गया, तो मृत्युकालिक कथन नहीं है। यदि पुलिस से किया है तो वो 161 के बयान हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट से किया है तो वो 164 के बयान हो जाएंगे। ये है हैं? देखो, एडमिशेबल पहली बात तो रेलेवेंट है, ठीक है ना, क्यों कि ये वो विवादक कथन है, जो विवादक कथनों के संबंध में किए हुए कथन है, ये तो रेलेवेंट तो है ही सही, 32 और 33 दोनों। दूसरी बात कहता है, एक तो रेलेवेंसी के संबंध में कहा हो एडमिशेबिलिटी, तो जो कुछ भी है रेलेवेंट है वो सब एडमिशेबल है, रेलेवेंट है वो सब एडमिशेबल है सेक्शन 5 में। ये यूपी में भी आया था कि एक महिला है जिसे पुलिस वाले ले जाते हैं, जो जल गई थी, रास्ते में ले जा रहे हैं, तो जीप में उसने जो कुछ भी पुलिस वालों को कहा वो 161 के बयान है, मजिस्ट्रेट से कहा 164 के बयान है। नेक्स्ट से आगे बट ए डिड नॉट डाई ऑफ इंजरी, है ए डिड नॉट डाई ऑफ इंजरी इज द स्टेटमेंट ऑफ ए मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हाँ, एडमिसिबल यदि नहीं मरती है ना तो वो अलग अलग उस कैटेगरी में आ जाए। भाई, हेयर से एविडेंस के बावजूद भी ये एविडेंस है, तो इसलिए है। वैसे तो हेयर से एविडेंस को कोई मजबूत साक्ष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शपथ पर नहीं होता और क्रॉस करने का मौका नहीं मिलता उस व्यक्ति से। शपथ पे होता तो उसे ये डर रहता है कि सच बोलना है, क्योंकि मरने वाला भी तो झूठ बोल सकता है। लेकिन एक सामान्य सिद्धांत तो बताया कि जो मरणासन्न है, जो मरने वाला है, झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता, उसके ये भाव हो सकता है क्यों ना इस व्यक्ति को फंसाया जाओ। हाँ, हो सकता है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है ना, खुशाल राव वाले मामले में अकेले भी हो सकता है, और उसके यादव वाले मामले में स्टेट ऑफ यूपी में कह चुका, अकेले भी किया जा सकता है। अकेले भी किया जा सकता है। हेलो। State the circumstances under which the statement of a person who cannot be called as a witness are themselves relevant under provisions of section 32 of evidence act. क्या State the circumstances under which the statement of a person who cannot be called as a witness are themselves relevant under provision of section 32. तो इसमें तो सारे ही है ना, 32(1) से लेके 8 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं, उनमें जो लोग मर गए हैं, मिल नहीं रहे, असमर्थ हो गए हैं, उन्हें एविडेंस में नहीं बुलाया जा सकता, सारों को ही नहीं बुलाया जा सकता। एविडेंस भी वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन ये तो हो गया। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ टाइम ड्यूरेशन वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यू इस पर क्वेश्चन आएगा जरूर, रिपीट रिपीट ही होके आता है, हर बार आता है। नेक्स्ट। चालीस से चवालीस वाला आया होगा। हाँ, तो देखो, एक सामान्य सिद्धांत है कि जजमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट,
जजमेंट अपने आप में रेलेवेंट नहीं होता है, मतलब आप जजमेंट को एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ जजमेंट भी रेलेवेंट हो जाता है, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ जजमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखता है जजमेंट, तो कोर्ट में रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखने वाले जजमेंट को ही तो दिखाओगे, सर ये तो पहले डिसाइड हो गया, तो वहां आपके एविडेंस का काम कर रहा है जजमेंट, तो जजमेंट अपने आप में रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ रेलेवेंट होते हैं। हाँ, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सनम में ये है कि जहाँ पर्सनल नेचर से संबंधित बात हो वहाँ जजमेंट इन पर्सनम कहलाता है, और सबके जनरल नेचर की बात हो, जैसे तलाक है तो वो जनरल नेचर की बात है, तलाक किसी व्यक्ति की स्थिति को बताता है, दो लोगों की स्थिति को बताता है कि दोनों लोग अलग अलग हो चुके हैं, ये स्थिति बताता है, तो ये जजमेंट इन रैम है, ये जजमेंट इन पर्सनम नहीं है। नेक्स्ट ओपिनियन वाले आगे। हाँ, तो ये 35, वो 45 से 45, 46, 47, 48, ये ओपिनियन वाले सेक्शन है। देखो, वैसे तो ओपिनियन रेलेवेंट होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हमने ओपिनियन को भी रेलेवेंट मान लिया, जैसे साइंटिस्ट हैं, तो वैज्ञानिक, चूंकि वैज्ञानिकों का ओपिनियन का कोई आधार है और सारा विज्ञान कथन और कारण पर डिपेंड है, विज्ञान में हर चीज के संबंध में एक कारण है, जैसे विज्ञान जादू पर विश्वास नहीं करता, विज्ञान चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, क्यों नहीं करता, वो कहता है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब जैसे एक नारियल का पौधा है, नारियल का पौधा कितने फीट ऊंचाई पे है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें ऊपर पानी किसने डाला, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें ये वाली प्रोसेस पेड़ में होती है जिसकी वजह से पानी वहां तक चढ़ जाता है, कैपिलरी सिस्टम और दूसरा संकुचन की क्रियाएं, उसकी वजह से पानी वहां तक पौधे में चढ़ जाता है और धीमे धीमे वहां इकट्ठा हो जाता है। तो विज्ञान चमत्कार को मान्यता नहीं देती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि कल ही मैं सुनना था कि ओलंपिक, वो नहीं, फुटबॉल का गेम हुआ, फुटबॉल वर्ल्ड कप था, फुटबॉल वर्ल्ड कप था, तो एक विश्व प्रसिद्ध जो मैजिशियन था उसने कहा कि देखो कल कौन जीतेगा मैं इसमें स्लेट पर लिख के दे दे रहा हूँ, लिख दिया उसने, और देखो इसको लॉकर में बंद कर देते हैं, लॉकर में बंद कर दिया, लॉकर में बंद करने के बाद वो लेके ऐसा है कि कल जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद लॉकर खोलेंगे, लॉकर खोला गया, सब लोगों ने बड़े उत्साह से देखा, हजारों आदमियों के सामने वो रखा गया, एक देश जीत गया, संघर्ष जबरदस्त हुआ, लास्ट तक दो दो तक बराबर रहे, पेनल्टी कॉर्नर से एक टीम जीत गई, जब वो खोला गया तो उन्होंने सबने आश्चर्य से देखा कि दो दो तक दोनों अर्जेंटीना और वो दूसरा कौन सा था वो बराबर रहेंगे, और पेनल्टी कॉर्नर से ये वाली टीम जीत जाएगी। एक तरह से तो जादूगर ने ये बता दिया कि ये तो मैच कल पहले ही फिक्स था, मैच फिक्स था, जीवन ही फिक्स है ऐसे, तो फिर हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन जब खोला गया तो वो बात लिख रही कि भाई दो दो चलेगी और फिर वहां तक जीत जीत जाएगी।
अब आश्चर्य से तो भर गई दुनिया, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो स्लेट ऐसी थी कि जो किसी मोबाइल से कनेक्टेड थी पहले दूसरे मोबाइल से, और मोबाइल पर लिखेगा तो स्लेट पर वैसा ही लिखा हुआ आएगा जो, तो उसने उसके बाद लिखा, जो परिणाम आ गया उसके बाद जादूगर ने लिखा अपने मोबाइल में और खुला गया तो वो उस पर वैसा ही लिखा हुआ है। क्योंकि विज्ञान को विज्ञान मान्यता देती नहीं है, विज्ञान मानती नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। जादू के संबंध में, चमत्कारों के संबंध में कोई मान्यता विज्ञान नहीं देता है, उसके पीछे कारण बताता है ये। और विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, विज्ञान कहता है कि भाई विज्ञान में हर चीज का परीक्षण है। अब ये लाइट जल रही है तो विज्ञान कहता है कि न्यूट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर इधर जा रहे हैं, यहाँ इस पे ये परत है और वहां वो चमक रहे हैं इसलिए आपको रोशनी कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है, उसके पीछे कारण बताते हैं। तो ऐसे ही ओपिनियन को इसीलिए एविडेंस में शामिल किया गया। एक बार क्वेश्चन एक ऐसे आया था, साइंस इन एविडेंस है, साइंस इन एविडेंस एक्ट, तो इसी पे था वो सारा बेस्ड। तो एविडेंस जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनमें ओपिनियन को, और खास तौर से किस किस में, जैसे साइंस है तो साइंटिस्ट बता सकता है कि भाई इसने ये वाला जहर खाया है इसलिए इसकी बॉडी पर ये प्रभाव आया। अभी आपने देखा जयपुर में ही मजिस्ट्रेट ने कहा कि आनंदपाल के मामले में इन लोगों को सजा होनी चाहिए, हत्या के दोषी हैं। तो बोले सरेंडर पहले ही कर चुका था आनंदपाल, बाद में हत्या की गई। तो बोले इतने नजदीक से गोली मारोगे तो ये प्रभाव आएगा, ये किसकी ओपिनियन थी? साइंटिस्ट की, उन्होंने सही माना। इसलिए साइंस को ऐसे आर्ट है, इसको आर्ट, तो आर्ट भी तो एक विज्ञान का हिस्सा है। एक लंबे अभ्यास के बाद आप एक चीज को किसी तरह बना पाते हैं, तो आर्ट के संबंध में ऐसे ही कानून, कानून जो है वो पूरी तरह एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। कानून कोई सामान्य सब्जेक्ट नहीं है, प्योर वैज्ञानिक है। आपने तथ्य और सही सही प्रॉपर प्रॉपर सेट किए ना, तो इसमें साइंस की तरह नंबर आने चाहिए। तो आपने कोई इंडिडेंट नहीं छोड़े और आप पूरा पूरा लिख के आए हो तो नंबर कैसे काटेगा? और समस्या क्या रहती है, वो याद नहीं होता है, याद के अभाव में नंबर कम आते हैं। तो मान लो विदेशी विधि है, विदेशी विधि के बारे में जो एक्सपर्ट है वो अपनी ओपिनियन देगा, उसे सही माना जाएगा। या जैसे उंगली चिन्ह है, उन उंगली चिन्हों के संबंध में, यहां मैंने चिन्ह हाथ लगा दिया, यहां इसके चिन्ह छप गए। अब देखो आने वाले टाइम में धीमे 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 अपराधों में कमी आएगी बजाय ज्यादा होने के। हम सब लोग किस चीज से जुड़ गए, हमारे आपके फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरे आपके फिंगरप्रिंट तो रिजर्व रख लिए हैं सरकार ने, डेटा में है। हमारे सारे 10 के 10 हाथों के फिंगरप्रिंट ले रखे हैं, हमारे रेटिना का मार्किंग कर रखी है उन्होंने, क्योंकि रेटिना भी अलग, हाथ कट जाते हैं लेकिन कोई अपराधी हो सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, पहचान मान लो डेड बॉडी है, पहचान नहीं हो रही है, रेटिना से हो जाएगी। हाथ काट दिए गए, ले गए हाथों को, रेटिना से हो जाएगी। कोई आदमी के ऊपर ये आरोप है कि ये पिस्टल इसने चलाई,
तो उसने चलाई थी या नहीं चलाई, तो उनके फिंगरप्रिंट तो वहां है, आधार कार्ड डालते खट से आ जाएंगे ये रे। हर आदमी के आधार कार्ड, जितने आधार कार्ड बने उतने फिंगरप्रिंट आ गए सबके। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है सबके आगे हैं, सबके ही। और एक बार आपने ये बना दिया, ये तो हम विदेश से ही लाए ना, ये सब कंसेप्ट तो आधार का कंसेप्ट हम विदेश से ही लाए, यही तो था। अब एक आश्चर्य की बात थी, उन्होंने कहा सारे देश के सारे लोगों का फिंगरप्रिंट आपके पास है भाई, फिंगरप्रिंट से और ये कॉर्निया से, इनसे भिन्न भिन्न है व्यक्ति, ये अलग अलग है सबके। कोई कह नहीं सकता, बोले साहब ये फिंगरप्रिंट के निशान नहीं दे रहा, मंदिर के निशान होना, बोले हमारे पास ऑलरेडी है इसके भाई, इनका एक तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग जो ऊपर दिखती है वो तो ले रखी है हर इंसान की, वहां तो बस आधार कार्ड डलते ही आ जाता है कि ये है इसके, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। ऐसे ही लेखक, लेखन के संबंध में भी है, आपके प्रूफ्ड हस्ताक्षर दे रखे हैं ना आपने, बैंकों में दे रखे हैं आपने कहीं, तो प्रूफ्ड हस्ताक्षर सबके हैं, आधार कार्ड पे दे रखे हैं आपने वहां एक बार, तो क्यों प्रूफ्ड हस्ताक्षर है वो आपके, तो उंगली चिन्ह, हस्तलेख, विज्ञान, कला, साहित्य, साहित्य है क्या इसमें, लिटरेचर है? अरे लिटरेचर नहीं, मैंने तो जानबूझ के बोला था लिटरेचर इसमें नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के, तो ये साहित्य वाला कहीं और जगह है, यहाँ नहीं, एविडेंस में नहीं है, इसमें लिटरेचर नहीं है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? अरे मैं तो वैसे ही बोला, मैंने कहा क्या होता है रट लेते हैं ना वैसे ऐसे थे, तो इसलिए तो उसमें कौन कौन से हैं? साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा है, याद नहीं आया, ये तो मैंने बोला था, मैंने कहा देखो किसी का इसमें बोला क्या रहता है, चलो ना है? ये राजस्थली कौन चलाएगा? नहीं तो राजस्थली कौन चलाएगा? अब ये संस्था इतने दिनों में बन के तैयार हुई है, एडीजे क्या माने रखता है आप इसमें? अब एडीजे किस रूप में माने रखेगा? मैं जो काम कर रहा हूं, अच्छा वो मेरे से क्या फायदा निकलेगा बताओ, मैं उसके लिए प्रयास करूं तो फायदा क्या निकलेगा? मैं अपना एक धंधा छोड़ के एक फिर उसमें एक नई शुरुआत करने की कोशिश, ये कोई इतने इतने आसानी से बन गया है क्या? और दूसरी, व्यक्ति का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है, अपनी प्रकृति वाला ही काम करना चाहिए। जब मैं हाईकोर्ट में ज्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे पढ़ाने में ज्यादा आनंद आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मैं अपने केसेस को दूसरों को टालता था, यार देख लेना आज, देख लेना सर आज, मैं नहीं, मैं इसको प्रायोरिटी दे देता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे नेचर में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। तो नेचर ने कहीं ना कहीं पकड़ा ना इसको।
अब एडीजे देना, हाँ मैंने दिया था ना एक टाइम पे, जब जब समय था, जब तब इंस्टीट्यूशन उस रूप में इस तरह डेवलप नहीं था, तब मेरी उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊं, ये बन जाऊं। जब ये काम करना शुरू कर दिया तो फिर पूरी तरह स्टॉप कर दिया। अब जैसे किरण दे रही है पर वो मेरी नहीं मानती, मैं उसे कहता हूं कि ये उस रूप में तुम पढ़ती हो, उस रूप में कोई मतलब नहीं है। एक बहुत पक्का सिद्धांत है, 10 किताबों को दो दो बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 20 बार पढ़ लो, क्योंकि मुश्किल से 2-3-4-5% ही चीजें अलग हैं, बाकी सब एक ही है। ये चीज बिरला ही करता हो, जो करते हैं वो पास हो जाते हैं। इतना टफ है ही नहीं ये, किताबों के ढेर करना। लोग अपने घरों में किताबों के ढेर कर लेते हैं, किताबों के ढेर तुम्हें फेल जरूर कराएंगे। जिसके पास भी ढेरों किताबें हैं ना, वो फेल होगा। उतनी किताबें उस रूप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो भी फेल होगा जो भिन्न भिन्न टीचर्स के पास भागता है, अभी इधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया, क्योंकि वो एक गुरु को पकड़ लो ना, वही करा देगा पास, क्योंकि वो एक ही सिद्धांत है उसका। आपको उसकी बात समझ में आने लग गई है, बार 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 उसी की बात समझ के आगे बढ़ो, उससे पूछो ना, और जब तय कर रहे हो तब बहुत समझदारी से तय करो कि क्या इसको अनुभव है। अनुभवहीन गुरु की कोई जरूरत नहीं है, उसे पूर्ण अनुभव होना ही चाहिए। उसने खुद ने भी खूब याद किया हो, खुद ने ये सब किया हो, तो उससे निकला हो। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हैंडराइटिंग को कैसे साबित किया जाए। तो हैंडराइटिंग को साबित करने में जैसे सेक्शन 45 है, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बता सकता है। फिर 47 है, उसमें क्या होता है कि मान लो मेरी हैंडराइटिंग से आप लोग परिचित हैं, तो आप भी एविडेंस दे सकते हैं। मान लो मेरे नोट्स को, रजिस्टर को, इनको को रखने वाला व्यक्ति दे सकता है। इसके अलावा सेक्शन 73 है, सेक्शन 73 में जज को भी ये पावर दे दी है। तो जज कंपेयर कर ले तो हैंडराइटिंग को साबित किया जा सकता है। तो क्या समझ में आया? एक्सपर्ट्स, जिसने देखा हो, रखा हो, और न्यायाधीश स्वयं। इसके अलावा चरित्र पे आया है क्या? चरित्र के कंडक्ट के एविडेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में ओपिनियन कैसे रेलेवेंट है? इसके लिए सेक्शन 45 ए बनाया हुआ है। देखो एक बात है, डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर भी हैं वो भी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर भी तो वैज्ञानिक ही हैं। आज अभी क्लास में हो भी एक, तो डिजिटल सिग्नेचर भी क्या है? वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक में क्या है कि वैसे समझते हो ना डिजिटल सिग्नेचर का होते कैसे है? जो सिग्नेचर एक तरह से अंकीय फॉर्म में है, सारा कुछ सिस्टम मोबाइल में इनमें काहे से चल रहा है? अंकों से फीड करते हो ना आप एक पासवर्ड, एटीएम में पासवर्ड फीड करते हो ना। ऐसा थोड़ी कि केवल ये चीज आपको, कभी कभी आपने करा है ना, जैसे एटीएम
पासवर्ड भूल गए या क्रेडिट कार्ड का भूल गए तो कस्टमर केयर पे फोन करते हो, तो कस्टमर केयर वाला पहले ही आपसे बोलता है कि आप मुझे मत बताना, जैसे ही करने के बाद फीड करो, तो आप फीड करते हो, आप 1 2 3 4 5, उसमें एक बीप की आवाज आती है और फिर फीड करते हो कि आप अपना पासवर्ड, ठीक है फीड कर दो, बताओ मत, बता दो ऐसे। इसका मतलब क्या है कि एक की उसके पास है और एक की आपके पास है, दो की है, एक की से कोई काम नहीं हो सकता, दो की से काम होगा, मतलब अकेले आप ना बताओ तो वो भी नहीं कर, आपके पैसे नहीं निकाल सकता, और वो आपको परमिट कर रखा है उसने उस काम के लिए कि आप अपने पैसे निकाल सको। तो वैज्ञानिकों की कि भाई किसको की दी गई, आपको डिजिटल सिग्नेचर की दी गई, और आप कहते हो ये डिजिटल सिग्नेचर मेरा नहीं है, आप कहते हो जी मोबाइल जिससे एटीएम से पैसे निकल गए, जी मैंने नहीं निकाले, किसी और ने निकाले, अरे भाई एटीएम किसके पास था, बोले आपके पास, की भी आपके पास, पासवर्ड आपके पास, फिर किसने निकाले। तो वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब एक्सपर्ट की ओपिनियन डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में सुसंगत होती है, क्योंकि जिसे जिस अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर जिस व्यक्ति को उपलब्ध कराए, वह व्यक्ति, और चूंकि आजकल नंबर दे रखा है, जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर करोगे ना, जैसे कंपनी है, कंपनी के एक डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो उसमें डिजिटल का मतलब मार्किंग नहीं है, जैसे मेरे मार्किंग है, मेरे अपने हस्ताक्षर की एक मार्किंग मैंने तय कर ली, वो पेस्ट तो तभी होगी ना जबकि उसका पासवर्ड और ये नंबर मुझे पता होंगे, नंबर नहीं पता होंगे तो मैं वो पेस्ट ही नहीं होगी। जैसे मुझे बंबई में डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, अपने अपनी कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर बंबई में करना है, तो जहां स्कैन कर रहा है वो कहेगा आप अपना पासवर्ड डाल दो, तो वहीं पेस्ट हो जाएगा, अब वो लगेंगे मेरे ही है, मैंने यहीं आके किए, लेकिन पेस्ट किसने किए, नंबर तो आपके पास था ना, डिजिट्स में जो पासवर्ड था वो तो आपके पास ही था, आपने किया। एक लाइन का है, वैज्ञानिकों की ओपिनियन सुसंगत होती है क्योंकि अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक की, अथॉरिटी के प्राधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को की उपलब्ध कराई गई है वह उसी के पास होती है। नेक्स्ट, करेक्टर वाला क्या है? हाउ फार बैड करेक्टर इज रेलिवेंट, कहाँ तक बुरा चरित्र सुसंगत है। देखो एक ये चीज है, जैसे कोई आदमी बहुत सारे केसेस कर चुका है पहले, तो वो केस रिपीट कर सकता है, तो बुरा चरित्र का भी एविडेंस दिया जा सकता है। कोई आदमी अपने, जो कोई आदमी जिसका बुरा चरित्र है, प्रोसिक्यूशन अभियोजन उसके कह सकता है कि साहब ये इसका बुरा चरित्र है, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। फिर क्या है बुरा चरित्र? प्लेन इन द लाइट ऑफ सेक्शन 14 एंड 15 14 14 और 54 के लाइट। अच्छा है प्रश्न ये। अब देखो क्या ले गया, 14 और 54 को जोड़ दिया इसने, है? ये जो जोड़ने का है ना, कैसे जोड़ा इसने, पहले बात तो चरित्र की बात की इसने कि बुरा चरित्र, तो बुरा चरित्र साक्ष्य में संगत है,
बैड करेक्टर इज रेलेवेंट इन एविडेंस, मतलब कोई आदमी चोर है, सब पहली चोरी इसने की, संभव है कि ये चोरी इसने की हो, तो उसको एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। अब कह रहा है कि 14 के साथ जोड़ो इसको। 14 में क्या था कि मन, मन की दशा, मन की ही दशा किसी व्यक्ति को के चरित्र को तय करती है। मन के संबंध में स्मिथ जो इसको एविडेंस बनाने वाला था वो ये कहता है कि मन को तो परमात्मा भी नहीं जान सकता। मन को, किसी के मन में क्या चल रहा है, परमात्मा भी नहीं जान सकता। लेकिन आप देखो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 में मन की दशाओं की बात की गई है। मन की दशाएं कौन सी हैं? मन की दशाएं जैसे कोई आदमी किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, तो ईर्ष्या रखता है तो ये बात तो मन में है, लेकिन ईर्ष्या रखने वाले के स्वभाव में नहीं आएगी क्या? स्वभाव में तो आएगी। कैसे आएगी? उसके बाहरी आवरण से पता लग जाएगा। कैसे लगेगा बाहरी आवरण से पता? उसके व्यवहार से, उसकी बात करने से। ईर्ष्यालु व्यक्ति की तो जो इलविल है वो पता लग जाएगी, इंटेंशन है वो पता लग जाएगी। तो जितनी भी स्टेट ऑफ माइंड है वो सारी की सारी चरित्र के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। चरित्र के साथ क्यों जुड़ी हुई? जैसे चरित्र की डेफिनेशन में जाओगे ना, कंडक्ट की डेफिनेशन में जाओगे, तो कंडक्ट की डेफिनेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट दो बातें बताता है, ख्याति और स्वभाव। ख्याति और स्वभाव। ख्याति तो वो है कि जो लोगों को, दूसरों को पता चलते हैं, दूसरे लोग जैसे दूसरे कहते हैं अरे यार वो तो आदमी थोड़ा सा खराब है, अरे यार उसकी बात का कोई पता नहीं, तो ये ख्याति है, दूसरे जो ऐसा सोचते हैं। एक होता है स्वभाव, जो स्वयं व्यक्ति सोचता है, ठीक है ना? तो स्वभाव के संबंध में जितने भी है ना वो मन की दशाएं हैं, स्वभाव मन की दशाएं हैं, इसलिए इसने जोड़ दिया। बड़ा समझदार आदमी रहा। कहाँ आया ये क्वेश्चन? वाह, गजब जोड़ा। मेरे दिमाग में भी कभी आया नहीं, मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को इस तरह। जिसने भी जोड़ा 14 के साथ, तो 14 में जब भी आप कनेक्ट करो, इनको लिख लिख के देखो थोड़ा थोड़ा, आप बताना कैसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे कोई आदमी क्रिमिनल केस में रेपुटेशन का है, अपने अच्छे कंडक्ट का एविडेंस दे रहा है, बात नहीं, अपने अच्छे कंडक्ट का एविडेंस दे रहा है, तो उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। एक आदमी कहता है साहब मैं तो जो वो मंदिरों में पुजारी हूँ, मैं तो भगवान की सेवा में लीन हो सकता हूँ, मैं ये गलत काम कैसे कर सकता? तो यदि उस पर पहले उसके बुरे कंडक्ट के संबंध में कोई रजिस्टर्ड हुआ है केस, तो कह सकते हैं अच्छा ऐसा है कि ये तुम्हारा पहला केस नहीं है, इस संबंध में तुम्हारे चरित्र को पहले भी बदलाया गया है, तो उसके कंडक्ट को पहले भी दर्शाया गया है तो वो बताया जा सकता है। बात समझ में आई क्या? तो चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये तो मैंने बता दिया ना अभी आपको कि बैड करेक्टर का साक्ष्य भी दिया जा सकता है जब उसके गुड करेक्टर का साक्ष्य दे रहा हो।
क्या है कि जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मैंने पहले चोरी की थी और कल चोरी हो गई, वो किसी और ने की, तो जरूरी थोड़ी मैंने ही की होगी। मतलब करेक्टर ही सिर्फ सब कुछ नहीं कह देता कि भाई करेक्टर कोई आदमी, फिर तो फिर पुराने चोरों को ही चोर सजा मिलती रहेगी, नए को कोई पकड़ेगा ही नहीं, बोले पुराने चोरी इतने अवेलेबल है। सिविल डिस्प्यूट में करेक्टर का साक्ष्य कोई मायने नहीं रखता है भाई। जैसे कोई आदमी पूरे करेक्टर का भी है या अच्छे करेक्टर का है, वो उससे सिविल नेचर के केस में क्या असर पड़ता है? कुछ असर नहीं पड़ता, केवल साहब ये डाकू है तो डाकू के पास उसका प्रॉपर्टी का राइट हो सकता है, क्या होगा? डाकू है, जो चीजें पहले से ही जानकारी में हैं वो जुडिशियल नोटिसेबल हो सकती हैं। जैसे कल संडे था, छुट्टी है, तो ये बात जुडिशियल, वो सब बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल नोटिसेबल है, मतलब उन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जज को भी वो बात पता है। संडे में इंडिया में छुट्टी रहती है, अब वो जज कहने लगे चलो साबित करो संडे संडे में छुट्टी रहती है, तो कहेंगे ये जुडिशियल नोटिसेबल है। कुछ तथ्यों के संबंध में दे रखा है इसमें लास्ट ही लास्ट में कि कोर्ट कह सकती है कि इन्हें एडिशनली प्रूव किया जाए, एडिशनल एविडेंस मांग सकती है, जुडिशल नोटिसेबल मामले में भी एडिशन प्रूव करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट है,